तो हमने दी ही थी कि रजनीकांत स्टारर कच्चदैया में दीपिका पादुकोण उनके ऑपोजिट कास्ट की गई हैं। अब कहा जा रहा है कि रजनी के डार्क कॉम्प्लेक्शन को मैच करने के लिए डिजिटल टचअप्स के जरिए दीपिका के स्किन टोन को भी डार्क किया जाएगा। शाहिद कपूर को हम पुनीत मल्होत्रा की डायरेक्शन में बनने वाली धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म में देख पाते, मगर डेट प्रॉब्लम्स की वजह से शाहिद ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर दिया है। वैसे शाहिद से पहले इमरान खान को इस फिल्म के लिए कंसिडर किया गया था। अग्निपथ और एक में और एक टू को मिली सक्सेस के बाद अब करण जौहर अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर इस साल 9 न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और इन फिल्म्स में करण फ्रेश टैलेंट को चांस देंगे। संजय दत्त अपने करियर में कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले कर चुके हैं, लेकिन अब संजय को हम रियल लाइफ गैंगस्टर शर्मन मुंजा जडेजा का कैरेक्टर प्ले करते देखेंगे सोहम शाह की अगली फिल्म में, जिसमें संजय के को स्टार होंगे विवेक ओबेरॉय। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 3 के बनने में कई मुश्किलें आ रही हैं। पहले इस फिल्म में फीमेल नेगेटिव लीड को कास्ट करने में प्रॉब्लम्स आई, फिर ऋतिक ने अपनी बैक इंजरी की वजह से फिल्म को डिले कराया। अब शौर्य चौहान, जो इस फिल्म की फीमेल विलन फाइनलाइज हुई हैं, हो गई हैं इंजर्ड, जिस वजह से फिर से ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है।